नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा में समाचार में फिर से एक बार। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से शिक्षा में से जुड़े कुछ अपडेट, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कल लखनऊ में हाई पावर कमेटी की हुई बैठक के बारे में, क्योंकि कल शिक्षा मित्रों की सारी उम्मीदें उस मीटिंग से लगी हुई थी और सभी की बहुत बहुत उम्मीद थी कि शायद कल कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। लेकिन कल का दिन तो और ज़्यादा कसमस में गुजरा, और ये थी व्यवस्था कि यही नहीं निश्चित हो पाया कि आखिरकार कल मीटिंग हुई भी है या नहीं। कुछ लोगों का ये तर्क आ रहा है कि मीटिंग कल हो नहीं पाई है, मीटिंग आज 8 अगस्त को 1 बजे होगी। और इस संबंध में सबसे पहले जो सूचना मिली वो स्वयं उमा देवी जी ने किसी ऑडियो में, अब एक दूसरे साथी से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि 1 बजे आज मीटिंग होगी, कल किसी कारणवश नहीं हो पाई शिक्षा मित्रों के संबंध में बैठक, तो आज 1 बजे यानी 8 अगस्त को 1 बजे ये मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में शामिल होने के लिए वो जाएंगी, शासन ने उनको वहाँ पर बुलाया है। तो देखते हैं और बताते हैं आपको इससे संबंध में थोड़ी सी और जानकारी, लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं उमा देवी जी का ये ऑडियो जिसमें उन्होंने उनसे किसी शिक्षा में से बात करते हुए आज की मीटिंग के बारे में कहा है। हेलो, हाँ बेटा नीला, हाँ नमस्कार दीदी, वंदना बोल रही हूँ अलीगढ़ से। ओहो मेरी बहना बताओ, आज मीटिंग का क्या हुआ? मीटिंग आज ना होकर के कल होगी। अच्छा अच्छा, मैंने सुना है कि आपको उसमें शामिल किया जा रहा है। कल करेंगे। अच्छा, आज मीटिंग कोई हो ही नहीं पाई। अच्छा, वो तो गधा फालतू डाले जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप शामिल है ना मीटिंग में? हाँ मीटिंग में मैं शामिल हूँ, कल बुलावा है। ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि सब लोग निगाह लगाए आपके ही ऊपर बैठे हुए हैं। और 14 तारीख को आना तो क्लियर है ना? अभी पहले मीटिंग देख लूँ। अच्छा, परमिशन की कॉपी हाथ में ले लूँ जी, फिर ऐसे नहीं मेरी बहन, हवा में नहीं किसी को करना जी। आगे की भी चीजें देखनी पड़ती है। जी जी, मुकदमा नहीं किसी के ऊपर हमें लदवाना है। तो दोस्तों इस बात से तो ये लगता है कि आज ही हमारी शिक्षा मित्रों के संबंध में बैठक है, मीटिंग है। लेकिन अब आपको एक बात और बता दें कि मीटिंग से संबंध ही उत्तर प्रदेश के आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षाविद वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही जी ने पोस्ट लिखकर ये बताया कि कल की मीटिंग सकारात्मक रही है, शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए जो वार्ता हुई है उसमें बस यही कहा गया है कि वित्त और न्याय विभाग के विशेष अधिकारियों को शिक्षा मित्र से संबंधित सारी संभावनाएं जितनी भी लगती हैं कि कोई भी कानून अड़चन नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होता रहे, ऐसी समस्या का निस्तारण करने के लिए वित्त विभाग और न्याय विभाग के दोनों विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा है और शिक्षा मित्रों के लिए विकल्प ढूंढने के लिए कहा है। ये कहना है जितेंद्र शाही जी का, जिनका मानना है कि कल बैठक हुई थी, और जो कहते हैं बिल्कुल कि कल बैठक हुई थी जिसमें शिक्षा मित्र संबंधित सिर्फ इन दोनों अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि वो शिक्षा मित्र संबंधित विचार अपने ला के रखें। आपको बता दें कि जितेंद्र शाही जी पिछले कई 6-7 महीने से लगातार सरकार से पत्राचार के द्वारा और विज्ञापन के द्वारा संपर्क बनाए हुए थे और सरकार को अपने पक्ष में लेते रहे हैं, और उनका हमेशा से यही कहना रहा कि कोई भी शिक्षा मित्र सरकार विरोधी गतिविधि में शामिल ना हो, कोई ऐसे कमेंट ना करे, ट्विटर पर भी गतिविधियां ऐसी ही होनी चाहिए शिक्षा मित्रों की, सरकार को लगे कि शिक्षा मित्र अब सरकार के पक्ष में है तो तभी कुछ भला हो सकता है। इसके लिए वो लगातार अपील करते रहते हैं शिक्षा मित्र, तो इसी संबंध में वो जाके मिले हैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी से। जहाँ जितेंद्र शाही जी की मुलाकात कल माननीय मुख्यमंत्री से हुई और मात्र 15 मिनट उनकी उनसे बात हुई है। 15 मिनट बाद में वार्ता में उन्होंने यही कहा कि सर शिक्षा मित्र बड़ी आशा से आपके साथ देख रहा है और इस कमेटी की बैठक से उसको काफ़ी उम्मीदें हैं, हमने आपसे इसलिए मुलाकात की है कि आप जल्द से जल्द कोई निर्णय लें और शिक्षा मित्रों का भला करें। तो उन्होंने जो भी बातें की उन्होंने मुख्यमंत्री जी के वही जवाब थे जो पहले होते थे कि सरकार आपके लिए बहुत गंभीर है और निश्चित रहिए जल्द ही शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का निस्तारण इस कमेटी के द्वारा कर दिया जाएगा, बेफिक्र रहिए कमेटी अपना कार्य बखूबी करेगी। तो मुख्यमंत्री से वार्ता में जितेंद्र शाही जी शिक्षा मित्रों के लिए
अनुग्रह वगैरह कर रहे थे, लेकिन एक बात तो बताए कि जितिन साय जी कल लगभग शाम 5 बजे ही एनेक्सी भवन पहुँच चुके थे। मीटिंग होने जा रही थी कल 5 बजे, तो वो अपने प्रतिनिधि मंडल के संग वहाँ पहुँच चुके थे और उन्होंने मुख्यमंत्री से वार्ता कर ली और काफ़ी चहल पहल रही, लेकिन शाम तक मैसेज आते आते यानी सूचना मिलते होते ये रहा कि कल की बैठक में सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों का ही मतलब बीएड वालों के लिए ही कोई चर्चा हुई है और बाकी शिक्षकों के लिए नहीं हो पाई थी, इसलिए मीटिंग को आज 8 अगस्त को रख दिया गया है। दो विषय पर चर्चा होनी थी, हम पहले ही आपको बता चुके थे, बीएड वालों के लिए और बीएड 2011 वालों के लिए होनी थी और आज शिक्षा मित्रों की होगी। दोनों मुद्दों पर चर्चा होंगी, तो सोचते देखते हैं कि आज भी आखिर क्या क्या बैठक होती है। उमा देवी जी का यही कहना है कि आज बैठक है और बीएड वालों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीएड टीटी उत्तीर्ण उच्च प्राथमिक विद्यालय जो ऐसी कुछ संगठन है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उनका सूचना मिली थी कि उनके उनके द्वारा ये मैसेज भेजा गया है कि सरकार ने कल की बैठक में बीएड वालों को एनसीटी के संशोधन के अनुसार सीटेट में पुनः आवेदन करने के लिए सहमति दिखा दी, यानी कि जल्द से जल्द हो सकता है कि सीटेट का जो ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं उसमें 2-4 दिन में बीएड वालों को भी अप्लाई करने का मौका मिल जाए प्राइमरी टीचिंग टीचर बनने के लिए। यानी कि फर्स्ट पेपर देने के लिए बीएड वाले अलाउ नहीं थे, ऑप्शन आया था हटा दिया था, उसके लिए फिर से इस बैठक में अनुमति दी जा रही है। तो ये बात कितनी सत्य है ये उधर की संगठन के अध्यक्ष ही जा रहे हैं, उन्होंने अभी मैसेज करके बस यही बताया कि बैठक में टीटी उत्तीर्ण बीएड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए खुशी की बात है। तो दोनों बातें चल रही हैं कि एक तरफ बीएड वालों की बातें हुई हैं और एक तरफ शिक्षा मित्रों की बातें अभी नहीं हो पाई हैं, वो आज होंगी। तो देखते हैं, जो भी अपडेट मिलेगी आज आपको शाम तक मैं दे ही दूंगा। और इसके संबंधित और मैं आपको खबर बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी खुशी की बात शिक्षा मित्रों के लिए कि 68,500 शिक्षक भर्ती फरवरी में होने जा रही है, यानी 68,500 की आगामी भर्ती जो सेकेंड रह गई थी भर्ती, वो अब फरवरी में होगी और नवंबर में आपका टीईटी यूपी टीईटी एग्ज़ाम होगा। यूपी टीईटी एग्ज़ाम नवंबर में होने के लिए पीएनपी से डॉक्टर सत्ता सिंह जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम सितंबर के लास्ट वीक में ऑनलाइन आवेदन लेंगे यूपी टेट का और नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम करा सकते हैं, और परिणाम जारी होते ही हम फरवरी में 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा कराएँगे। तो सरकार बहुत कटिबद्ध है, समय के अनुसार सारे काम करेगी। उनका कहना है कि जल्द से जल्द हम ये प्रक्रिया पूरा करना चाहेंगे। तो सभी शिक्षा मित्रों फिर से एक बार अपील की सभी सीटेट और यूपी टेट की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जल्द ही यूपी टेट की भी परीक्षा आने वाली है। और बस एक शंका यही रहेगी कि इस 68,500 शिक्षक भर्ती में बीएड वाले शामिल होते हैं या नहीं, वो अभी हाल ही में कुछ दिनों में पता चल जाएगा। जब तक सी टेट नोटिफिकेशन की डेट ड्यू है तब तक कुछ भी हो सकता है। जिस दिन सी टेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद सारी स्थिति साफ हो जाएगी। तो चलिए देखते रहेंगे कि आखिरकार बीएड वालों के लिए क्या खुशखबरी मिलती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त एक और छोटी सी खबर हमें मिली है, मतलब आज ही अखबार में एक कटिंग में हमें ये देखने को मिला कि जितेंद्र साही जी ने जो कल मुख्यमंत्री से वार्ता की है उसमें उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए गैर शैक्षणिक कार्य में शामिल होने के लिए कहा है, यानी कि अगर जो शिक्षा मित्र टेट पास नहीं कर पाते हैं उनके लिए विद्यालय में ही गैर शैक्षणिक पदों पर सृजन कर उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। दोस्तों, कल जितेंद्र साही ने बताया था कि हमने उनको मांग पत्र दे दिया है, लेकिन मांग पत्र को प्रकाशित नहीं किया गया था, बताया ही नहीं गया था कि उसमें क्या है, लेकिन अखबार के इस कटिंग से तो हमें यही लगता है कि उन्होंने जो बात कही है उसमें शायद एक बिंदु ये भी होगा कि टीटी पास ना करने वाले शिक्षा मित्रों के लिए विद्यालय में गैर शैक्षणिक कार्यों में शामिल कर उनके भविष्य को सुरक्षित कर दिया जाए, उनको भी रोजगार दे दिया जाए। जो कि टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको तो भर्ती परीक्षा से गुजरते ही
शिक्षक बनने के लिए संभावना जताई जा रही है। हो सकता है इसमें कुछ सरकार द्वारा छूट दी जाए, लेकिन फिलहाल भर्ती जल्दी हो जाए, यही सबकी संभावना, यही सबकी दुआ है और देखते हैं क्या होता है। तो जितेंद्र साई ने अपना मांग पत्र प्रकाशित नहीं किया है, हम जल्द ही इसके बारे में और पता करेंगे और किसी पदाधिकारी से बात करेंगे। आश्वास है यानी उत्तर प्रदेश आदर्श माई शिक्षक शिक्षा में वेलफेयर एसोसिएशन के किसी पदाधिकारी से बात करके इस मांग पत्र को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कल जो लखनऊ में उन्होंने अपना मांग पत्र दिया उसमें क्या मांगे थे। फिलहाल आज के शिक्षा में समाचार में इतना ही। मैं हूं आपका साथी गोपाल सिंह, लेकिन जाते जाते पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दबाइए बेल आइकन को भी और इस वीडियो को लास्ट लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त गोपाल सिंह, नमस्कार।